मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बाइक से। आप लोगों को किस चीज से ट्रैवल करना पसंद है बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो बाइक बहुत गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं उठ गई हूँ और जल्दी जल्दी अभी रेडी हो रही हूँ। प्लान चाय हो गया, उठ जाइए के लिए। और अभी ये अपने मायके जा रही है मम्मी के पास। ये देखिए अभी क्या कर रही है, खा रही हूँ। जब भी टाइम मिलता है खाना शुरू कर देती है। आज सुबह 4 बजे से ही ये लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या किया सुबह से, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बैठ के पैकिंग की हूँ, आपका सुबह क्यों आयरन की हूँ आपका कपड़ा। हाँ बहुत बहुत काम किया, थोड़ा सा लेट हो गए हम, अभी 9 बज रहा है। और गाय जब भी हम लोग पिटते पिटते बते हैं, पता है ये क्या किया है, ये केला खाकर और छिलका पुल के ऊपर से ही किसी के ऊपर फेंक दी है और वो आदमी आकर घूरने लगा है हम लोगों को। मतलब क्या, मुझे ध्यान नहीं था, सॉरी तो बोल दिया आप। मुझे इतना सुना दिए तब से, वो बाइक वाला इतना नहीं सुना था जितना ये सुना दिए है। तो मार खाते तो हम ना खाते, अब हो गया ना प्राण, माता तो हम ही पड़ा। मैं बचा लेती ना आपको, बचा दे के पिटवा दू तो मैं अब क्या करूं, हो जाता है कभी थोड़ा। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बाइक से। आप लोगों को किस चीज से ट्रैवल करना पसंद है बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो बाइक बहुत पसंद है। ये लोग सोनपुर मेला जाने का प्लान बनाया है, अभी कोविड के बाद, ये 2 साल के बाद लगा है। तो कल आप लोगों को सोनपुर मेला का विजिट कराऊंगी, चलेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, मस्ती करेंगे। और बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है अभी, हल्की ठंड और धूप, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी ट्रैवल करने में। ये देखिए ट्री, पहले बचपन में ना बताया पढ़ाने स्कूल जाती थी ना, तो गुमटी पे बस रुकती थी तो उधर से हम लोग हाथ निकाल के और ट्रेन में ट्रेन को देख के उधर बाय बाय करती थी। अगर उधर से कोई रिप्लाई कर देता था तो इतना मन खुश होता था बहुत खुश हो जाते थे हम लोग। हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, हाजीपुर से थोड़ा पहले हैं। और हम लोग तो पेट पूजा कर लिए हैं, बाइक को भी करा दिए, थोड़ा पेट्रोल ले लिए हैं और अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ओके चल रहा बच्चन, गाना सुनाइए ना। जिंदगी
एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अभी आ गए हम लोग टोल प्लाजा पर। अच्छा है हम लोग को यहाँ देना नहीं है टोल टैक्स, क्योंकि हम लोग बाइक से हैं। प्राण देखे आपका पैसा बचा दी ना मैं, आपको टोल टैक्स नहीं लगेगा। अभी देख लीजिए, वाह शुक्रिया बोलिए मुझे। कोई नहीं, सराय में है। अब हम लोग सराय अब आ गए हैं। जब हम लोग रक्षाबंधन में आ रहे थे तभी बहुत जाम लगा था यहाँ पे, और तब पुल भी नहीं बनी हुई। हाँ यहाँ पुल पे काम चल रहा था और इतना जाम लग गया, इतना भूख लगा था इतनी जोर की, और हम लोग कितने देर तक जाम में फंसे रह गए, 2-3 घंटे तक। और वहाँ मेरा भाई सब बेचारा भूखे इंतजार कर रहा था। अचानक से आपको कैसे याद आ गया? अरे ये पुल देख के याद आ गया, मैं भूलती नहीं हूँ। और एक जगह और, वो कहाँ पे जो हम लोग शादी से पहले जो मंदिर गए थे, वो तो जेल के पास ना, जेल के पास एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ फंस गए थे। तो बहुत देर तक है भगवान, बहुत अजीब लग रहा था। उस टाइम शादी भी नहीं हुई थी और सब फोन कर रहे थे, बड़ा अजीब सा लग रहा था। और काफी देर तक हम लोग जाम में 5-6 घंटे फंसे ही रह गए। गए थे हम लोग शिवमस्ती का मंदिर दर्शन करने। तो अब तो पुल बन गई है और अब मजेदार पुल बन गई है, बिल्कुल जाम का पता नहीं चलता। कोई टेंशन नहीं है, आराम से। तो हम लोग रुके हैं, 6 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ हाजीपुर, और बस थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। अभी हम लोग आ गए हाजीपुर पुल पे। अब इसके बाद हम लोग हाजीपुर में एंटर कर जाएंगे, फिर वहाँ से थोड़ी दूर पे मेरा मायका है। तो चलिए अभी थोड़ी दूर में बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में। मेरे प्राण बड़े अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, स्लोली स्लोली। और ये हम लोग आ गए हाजीपुर, अपने हाजीपुर में आ गए मैं मंदिर के पास। धीरे कीजिए, प्रणाम कर लूँ। ये हाजीपुर स्टेशन, गाड़ी।